आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा खतरा, मोहन में बन रही एलिवेटेड रोड पर संकट। भारी बारिश के बाद मलबे से पटी नदी, एलिवेटेड रोड के पिलर आधे से ज्यादा मलबे में धंसे। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की परियोजना पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। जी हां, भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और मोहन के जंगल से गुजरने वाली नदी मोहनराव नदी मलबे से पट चुकी है। इसी नदी के बीचों बीच पिलर खड़े कर 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। बीते दिनों से लगातार जारी भारी बारिश के चलते मोहनराव नदी में बड़ी मात्रा में पानी और मलबा आ रहा है, जिससे नदी के ओर छोर मलबे से पट चुके हैं। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ जिस नदी को समतल कर उस पर पिलर खड़े किए गए थे, वो मलबे से पट चुकी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड के लिए बनाए जा रहे पिलर आधे से ज्यादा नदी के मलबे में धस चुके हैं। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर तो पिलर का केवल ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है, जबकि बाकी हिस्सा मलबे में दब चुका है। हालांकि यहाँ बहने वाली मोहनराव और अन्य छोटी नदियां बरसाती नदियां हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर ऐसा ही पानी और मलबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद आता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक NHAI ने मौजूदा हालात पर IIT रुड़की के विशेषज्ञों को जांच सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।